हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग के घर पे अक्सर चावल बच जाते हैं, या तो हम उन राइस को फेंक देते हैं या तो फ्रिज में रख रखते हैं। आज मैं उन्हीं राइस को यूज़ करके आपको दो पुलाव बनाना सिखाऊंगी। एक हम एग को यूज़ करके बनाएंगे और एक वेज बनाएंगे वेजिटेरियंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैं बनाऊंगी वेज राइस। उसके लिए यहाँ पे मैंने पैन में लिया है 1.5 चम्मच ऑयल। उसको थोड़ा सा हीट करेंगे। हीट करने के बाद यहाँ पे डाल देंगे पीनट्स 2 चम्मच। अब इसको कर देंगे एक बार मिक्स। मिक्स करने के बाद यहाँ पे डाल रही हूँ मैं ड्राई चिल्ली रेड। इसको तोड़ के डालेंगे इस तरीके से। चिल्ली डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे एक बार और पकाएंगे जब तक पीनट्स ब्राउन ना हो जाए। पीनट्स को पकाने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ वेजिटेबल्स। कैरेट ली है मैंने और मटर लिए हैं, 2-2 चम्मच डाला है। आपके पास जोन सी भी अवेलेबल हो वेजिटेबल्स, आप वो ऐड करिए। इसको एक बार मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ राई। अब डाल देंगे टर्मरिक पाउडर, साथ में डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और इसको अच्छे से करेंगे एक बार मिक्स। और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें डाल देंगे बॉइल्ड राइस और इसको एक बार टॉस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप कुक्ड राइस यूज़ किए हैं इस रेसिपी के लिए। ये हो गया मिक्स। अब इसको पकाएंगे ढक्कन के साथ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पे। ये देखिए हमारा पुलाव ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। एक बार इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर। मैं यहाँ पे ड्राइड यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश कोरिएंडर है वो तो और भी अच्छा है, वो ऐड करिए इसमें थोड़ा सा। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश लेमन का जूस, 1 चम्मच डाला है मैंने। लेमन ज़रूर ऐड करना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा ये पुलाव को। ये हो गया हमारा पुलाव रेडी, सर्व कर देंगे इसको। अब हम नेक्स्ट रेसिपी तैयार करेंगे, ये है एग राइस। बहुत ही इजीली बनते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं एग राइस। सबसे पहले मैं यहाँ पे नॉनस्टिक पैन में डाल दूँगी एक एग तोड़ के। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन नहीं है तो पहले नीचे 1 चम्मच ऑयल डालें फिर ऊपर से एग डालें, वरना आपका एग चिपक सकता है। अब मैं यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ ताकि हमारा एग एकदम क्रिस्पी हो जाए। इसको अब मिक्स कर देंगे इस तरीके से और तोड़ देंगे। थोड़ा सा पकाएंगे इसको, थोड़ी सी ब्राउनिंग आ जाए। अंडे को पकाने के बाद इसको मैं यहाँ पे साइड कर दूँगी और सेंटर में डालूँगी ऑयल 1 चम्मच। ऑयल थोड़ा सा हीट करने के बाद एक स्लाइस किया हुआ अनियन डाल देंगे, छोटा अनियन लिया था। हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक पकाएंगे। जब पक जाए तो दोनों को मिक्स कर देंगे, अंडा और अनियन दोनों को मिक्स करेंगे इस तरीके से। साथ में डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, ब्लैक पेपर डालेंगे 2 पिंच। मिक्स करके उसमें डाल देंगे बॉइल्ड राइस, ये भी 1 कप का मेजरमेंट है, और इसको एक बार मिक्स करेंगे। कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ मिक्स करने के बाद, 2 पिंच डाला है मैंने। अब इसमें ऐड करेंगे पाव भाजी मसाला। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको ढक देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पे। ये देखिए एकदम एग राइस बनकर रेडी हो गया। तो ज़रूर ट्राई करें ये दोनों राइस की रेसिपी और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें मेरे साथ।
अगर आपको आज की ये लेफ़्ट ओवर राइस की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगली वीडियो में जल्द ही मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।